पंजाब सरकार का साल 2021 का कैलेंडर विवादा च आ गया। विवाद का कारण है कैलेंडर चलाई गई नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी की तस्वीर। इस संबंधी इतराज़ भी एक सिख परिवार वालों किया गया है। यह परिवार है प्रसिद्ध चित्रकार शोभा सिंह का। दरअसल कैलेंडर चलाई गई श्री गुरु तेग बहादुर जी की तस्वीर शोभा सिंह होरां ने बनाई सी। अते इस तस्वीर विच जो पंजाब सरकार ने इस साल दे कैलेंडर विच वरती है उन्हां दा नाम नहीं लिखिया। कॉपीराइट दा विशा होण करके शोभा सिंह दे परिवार वालों इस कारण वड्डा रोस जताया जा रहा है। इस संबंधी साडे सहयोगी बलजीत मरवाहा ने शोभा सिंह दे दोते डॉक्टर हिरदेपाल सिंह नाल गल कीती। आओ सुनांदे हां की कहना है उन्हां दा। सो बड़ा एक वड्डा विशा क्रिएट हो गया पंजाब दे विच। पंजाब सरकार ने हाल ही दे विच साल 2021 दा अपना जिहड़ा कैलेंडर छापिया सरकारी उस ते श्री गुरु तेग बहादुर जी दी फोटो लाई है नौवीं पातशाही दी। सरकार वालों गलती की हुई है जो कहना है। इस तस्वीर नू बनाया सी मशहूर चित्रकार सरदार शोभा सिंह ने। चित्र उन्हां दा बनाया होया पर सरकार ने वह जिहड़ी तस्वीर यूज कीती है शोभा सिंह उन्हां वालों बनाई गई उस ते उन्हां दा नाम नहीं है ते कॉपीराइट दा इशू उन्हां दे परिवार वालों खड़ा किया गया। साडे नाल शोभा सिंह जी दे दोते डॉक्टर हिरदेपाल सिंह जी फोन लाइन ते मौजूद ने। सो उहनां नाल आपां गल करदे आं। वर्ल्ड पंजाबी टीवी स्वागत है डॉक्टर हिरदेपाल जी। सत श्री अकाल जी। जी सो हिरदेपाल जी, डॉक्टर साहब सब तों पहला यही सवाल कि सरकार वल्लों गलती की हुई है इस कैलेंडर च। देखो सार शोभा सिंह जी ने गुरु साहिबान दे जिहड़े तस्वीर बनाए ने उह सारे मतलब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अकाल तख्त के जथेदार हर पासे तो प्रमाणित ने तस्वीर से। ज्यादातर तस्वीर तो श्रोमणी कमेटी ने कमिशन कीतियां ने सरदार जी तो, है ना जी। ये जड़ी तस्वीर है श्री गुरु तेग बहादुर जी की, सरदार जी ने 1972 च बनाई थी। तो यह भी जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉपीराइट ऑफिस है यही रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है जी। फिर कॉपीराइट जरा जी के समय उन्होंने को बेटी को मेरी मदर को है ना जी ये कॉपीराइट जी। तो गवर्नमेंट का सानू इदा लगता है कि जो लोग कैलेंडर छापते उस लैवल से इन्होंने तो कुताही हो गई है। उन्होंने चुस्ती दिखाई है कि चुप करके छाप लो जरा किसी पता लगना अभी तो रेंदे जी हिमाचल से, है ना जी। हाँ जी। सरदार जी के काफ़ी फैन ने पंजाब कई सोसायटी भी बनी सू तो उतो फिर उन्होंने कैलेंडर भी भेजे। तो कहते देखो भी एक तो सरदार जी का मतलब एडे वे महान कलाकार हो ना ही कटता किसी ने भी कहड़ा पता लगना है। नंबर टू कॉपीराइट का घोर उलंघन है जी। दो इशूज ने इतने ना जी। डॉक्टर साहब मैं ये सवाल थोड़ा जानना चाहूँगा मतलब जो ये कैलेंडर क्योंकि सरकार ने यह तो है नहीं कि एकदम छाप दिता होना काफ़ी लंबा समा पहला तैयारी शुरू कर दें सरकार भी कि तस्वीर छापनी है कि नहीं छापनी तो बिल्कुल भी थोड़े संपर्क नहीं किया गया पंजाब सरकार वालों। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं किया। एक तो उन्होंने जरूर दसना चाहना है कि जिस तरह सर 2001 बल सेंटेनल जी सरदार जी जो मार्क फेट पंजाब ने भी कैलेंडर छपे थे तो मैंने याद है उदो जे मैनेजिंग डायरेक्टर IAC उन्होंने बकायदा चिट्ठी लिख के रिटन परमिशन ली थी साढ़े तो सरदार जी दस्वीर छापिया सी। ए मतलब या तो नैगलीजेंस होगी या चलाकी होगी दो ही गल हो सकती है भुल होगी मतलब जो अफसर थे पंजाब सरकार के। हाँ ये कोई जिथे तक सानू अफसर का ना भी किसी ने दसिया मैं तुम्हें लेना नहीं चाहवागा। तो उन्हें कहा भी जिस तरह कल उन्हें कई पंजाब के अखबारों फोन किए कि खबर ना छापो क्योंकि असं प्रेस रिलीज दिता सी जी। आपदे उन्हें कॉन्टैक्ट के नाल एक दो जो प्रोमीनेंट अखबार से खबर भी रुकवाने की कोशिश की है। यदा मतलब उन्होंने इस चीज़ का पता है एहसास है कि कॉपीराइट जोड़ा एक्ट है ये बहुत सख्त है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मतलब सज़ा भी है क्रिमिनल ऑफेंस भी है सिविल ऑफेंस भी है। बिल्कुल। सो की मांग करते हो जी तुम सरदार शोभा सिंह जी के परिवार चो आ गए थोड़ी मांग की करते हो इस विषय से सरकार को। असी देखो एक तो अभी चाहते हैं कि जी कोताही हुई है जिस लैवल से भी हुई वो उपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए जरूर ताकि अगे लोगों को कन हो। नंबर टू जे जे कानून बनाने वाले तो कानून के राखे ने जो वही उलंघन करे वो तो फिर डबल मतलब कोर्ट भी कहें कि वो लोग उन्होंने अगेंस्ट डबल एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा जो कैलेंडर है कैलेंडर के उपर सरदार जी का नाम जो है अच्छा डिजिटल स्टैंप बन जाती है उन्होंने
जरूर उत्थे लिखना चाहिए कि सारसोभा सिंह जी की तस्वीर है। तो नंबर तीन ये है कि क्योंकि ये साढ़े असी तो जी गैलरी हिमाचल के बैठे हैं, कले बैठे हैं इतने, है ना जी, बहुत दूर बैठे हैं। हाँ जी, आपके रिसोर्सिज ना गैलरी चला रहे हैं, तो तस्वीर असी कोई कमरशियल परपज के नाल नहीं छुपाते, ना ही कमरशियल परपज ना बेचते हैं। साडा परपज है सारसोभा सिंह का आर्ट लाइफ से फिलोसफी जी अगे बधे, नाले सिख धर्म का प्रचार भी मतलब इस राही हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो प्रचार भी होंगे दुनिया भर के कारजी की तस्वीर इन मकबूल ने जी, मतलब सानू इकनोमिक लॉस भी होया जिहड़ा कि अदरवाइज आर्ट गैलरी वास्ते पैसा जाना सी किसी ने परसनली इस्तेमाल नहीं होने, क्योंकि असी गुरु तेग बहादुर साहब की 15,000 तस्वीर प्रिंट करवा के हमने रखी है, लेकिन वो सेल नहीं होगी क्योंकि जो पंजाब गवर्नमेंट ने लखा की तादाद इस कैलेंडर छाप लिया जी। तो ये वैसे भी मतलब सानू लगता कि कॉपीराइट एक्ट भी तो घोर उलंघन है, सारसोभा सिंह के प्रति घोर निरादर भी है जिहड़े लोगों ने एक एक मतलब चित्रकार का कलाकार का आर्टिस्ट का अपमान भी कह लो एक सीधे तौर पर किया गया मतलब। हाँ बहुत बड़ा, देखो उन्होंने सारी उम्र अपनी 86 साल हुई है, उन्होंने सारी वो कहते होंगे कि मैं तो पिट दूरी करनी बनाते हैं, तो बंदे एक मिनट के मेरी कॉपी कर ले कोई, तो देखो सानू दुख भी बहुत होया है। मोरओवर पंजाब के जिहड़े चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद कला ये प्रति उन्होंने बड़ा लगाव है, महाराजा यादविंदर सिंह इन्होंने पिता जी ने सारसोभा सिंह के नाल इसी म्यूजियम के लिए भी चिट्ठियां लगाइया ने, उन्होंने बड़ी तस्वीर इन्होंने खरीदिया सीगिया सार जी दी जी, तो वो तो खुद कलाकार ने, तो सानू जरूर उम्मीद है कि बतौर कलाकार ये उपर स्ट्रिक्ट एक्शन लैणगे, तो बनती जो भी कार्रवाई है जरूर की जाएगी, असं उन्होंने फॉर्मल कंप्लेट भी जी कल भेजी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अपना एक सवाल होर मैं करना चाहवागा, जेकर सरकार वालों कोई मतलब अपनी गलती नहीं स्वीकारी जाती फिर कोई लिटिगेशन जान की भी कोई विचार है तुहाडा? हाँ बिल्कुल सर जी, देखो साढ़े कॉपीराइट लॉयर के नाल ही जरा कल असी चिट्ठी लिखी से कंसल्ट करके लिखी सी, फिर असी जो भी मतलब ये बनती सिविल से क्रिमिनल कार्रवाई है बेशक इन समय लग जाएगा, असी नहीं पैना चाहते लिटिगेशन के, लेकिन जो सरकार कोई एक्शन नहीं लूगी तो फिर असी मजबूर होवोंगे जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब बहुत बहुत। सो ये सन डॉक्टर हिरदेपाल सिंह जी, दोते हैगे ने सरदार शोभा सिंह जी दे, पंजाब सरकार वालों जिहड़ी शरारत की गई है या भुल हुई है सरकार तो उहदे कारण कह लो इस परिवार नूं इक ठेस पहुंची है कि एडे महान चित्रकार होए ने शोभा सिंह जी, तो उन्हां दा एक नाम भी तस्वीर ते जिहड़ा सरकार ने नहीं दिता, हुण इस परिवार ने मांग की है कि जिहदी गलती है उसनूं जरूर पनिश किया जाना चाहिए है। शोभा सिंह की बेटी बीबी गुरचरण कौर ने कहा कि उन्होंने पिता द्वारा बनाई गई श्री गुरु तेग बहादुर जी की तस्वीर भारत सरकार के कॉपीराइट दफ्तर विच दर्ज है, अते सारे प्रकाशित अधिकार परिवार कोल राखवे हैं, इस दे बावजूद पंजाब सरकार ने इस तस्वीर नू वरतन तो पहला उन्हां नाल एक वारी भी गलबात नहीं कीती। उन्हां अपना रोस मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह नू भी भेज दिता है। परिवार का कहना है कि जेकर सरकार वालों अपनी गलती नहीं मनी जाती तो वह कोर्ट का दरवाजा खड़काउणगे। इसे दौरान इस मामले विच उस वेले वड्डी डिवेलपमेंट हो गई जदों पंजाब सरकार दे लोक संपर्क विभाग के सकत्तर ने शोभा सिंह दी धी नूं चिट्ठी लिख दित्ती। बीबी गुरचरण कौर नूं लिखी इस चिट्ठी विच लोक संपर्क विभाग के सकत्तर गुरकीरत कृपाल सिंह IAS ने जिथे शोभा सिंह दियां चित्रकारियां दी तारीफ कीती है, उत्थे चिट्ठी दे अंत विच उन्हां लिखिया है कि भविख दे विच पंजाब सरकार वल्लों शोभा सिंह दियां तस्वीरां किते भी प्रयोग विच नहीं लियांदियां जाणगियां। हालांकि शोभा सिंह दे परिवार का कहना है कि सरकार उन्हां कोलों इस बाबत माफ़ी मंगे अते जिम्मेवार अफसर के खिलाफ बनती कार्रवाई अमल विच लियाए। हुण अगे मामला किस मोड़ ते पुजदा है यह देखना होगा। वर्ल्ड पंजाबी लई बलजीत मरवाहा की रिपोर्ट।